श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का। शंकर रावण संहिता के अंतर्गत लिखा है, भगवान राम ने रावण के पास में अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी को भेजा था, जब वो पड़ा हुआ था भूमि पर। किसको भेजा है? लक्ष्मण जी। लक्ष्मण जी ने पूछा, भैया आप मुझे क्यों भेज रहे हो, किस लिए भेज रहे हो, क्या कारण है मुझे यहां भेजने का, और भेजना भी है आपको तो ये कहां भेज रहे हो? वो लंकाधिपति रावण के पास में, वो लंकेश के पास में, वो लंकाधिपति रावण के पास में, मुझे भेज भी रहे हो तो कहां भेज रहे हो, जरा विचार करिए कहां जा रहे हो। राम जी ने कहा, सुन लक्ष्मण, तुझे मैं जो भेज रहा हूं, तुझे जो मैं प्रदान कर रहा हूं, भेज रहा हूं, वो एक द्रोही रावण के पास नहीं भेज रहा हूं, एक द्रोही रावण के नजदीक मैं तुझे नहीं भेज रहा हूं, मेरे राम कहते हैं लक्ष्मण मैं आपको भेज रहा हूं तो एक विद्वान, इसके बराबर दुनिया में कोई पंडित कोई विद्वान ब्राह्मण नहीं होगा, मैं उसके पास भेज रहा हूं। तो भेजने का कारण क्या है, मुझे क्यों भेजा जा रहा है? तो लंकाधिपति रावण ने लक्ष्मण को जो ज्ञान दिया, रावण संहिता के अनुसार आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें स्मरण आएगा, आप मुझे क्यों भेज रहे हो? मेरे राम कहते हैं कि जाओ लक्ष्मण, एक बार विद्वान इस लंकाधिपति रावण के चरणों में जाकर पूछो जरा कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या है। थोड़ा ज्ञान की बातें करिए। लक्ष्मण जी गए रावण के पास में, सिर के पास जाके खड़े हो गए। रावण ने देखा कि लक्ष्मण आए तो रावण ने अपना मुंह फेर लिया इधर। अब इधर मुंह फेरा तो लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मण जी दौड़कर फिर भैया के पास में गए, क्या भैया कहां भेज दिया आपने उस रावण के पास में, लंकाधिपति के पास में, इतना अहंकार उसको कि मुझे देखकर उसने मुंह फेर लिया। तो राम जी ने कहा, लक्ष्मण एक बात बता, गुरु जी के पास ज्ञान लेने जाते हैं तो उसके चरणों में बैठते हैं क्योंकि सिर पे बैठते हैं? लक्ष्मण जी बोले, उनके चरणों में बैठते हैं। तो तू रावण से ज्ञान लेने गया था तो चरणों में खड़ा था कि सिर पे खड़ा था? लक्ष्मण बोले, मैं सिर के पास खड़ा था। राम जी बोले, अब चरणों में जाके खड़े हो, जाओ चरणों में जाओ। और रावण के चरणों में जैसे लक्ष्मण जी गए तब रावण ने लक्ष्मण जी को बुलाया और बुलाकर कहा, लक्ष्मण जी ने पूछा, आपकी कोई अंतिम इच्छा हो, प्राण छूटने वाले हैं आपके, प्राण जाने वाले हैं, नाभि में अमृत सूख चुका है, बाण लग चुका है, आप मरने वाले हो, कोई आपकी इच्छा हो तो जरूर बताना। रावण मरते मरते भी एक सत्कर्म करते हुए चले गया, शायद दुनिया के लोग उसका वर्णन करें चाहे नहीं करें। और लक्ष्मण जी से कहकर चले गया कि हे लखनलाल, मेरे राघव जी से विनती करना, मेरे राम जी से विनती करना कि मेरे जितने राक्षस मरे ये तो मेरे राम जी और लखनलाल जी और उनकी सेना के द्वारा मरे हैं, जो राम की सेना के द्वारा मरे हैं या राम के द्वारा मरे हैं या लखनलाल जी के द्वारा मरे हैं, उनके द्वारा मरे हुए मेरे सारे राक्षस तो उनके हाथ से मर मर के बेकुंठ चले गए, पर इतने सारे बंदर ये हमारे हाथ से मरे हैं, इनको बेकुंठ मिलेगा क्या जो हमारे हाथ से मरे? तो लखनलाल जी, आप राघव जी से विनती करना कि मेरे प्राण आज दशहरे पर छूटे हैं पर पूर्णिमा तक इंतजार करना, मेरा अंतिम संस्कार तब करना जब ये बंदरों को भी कुछ अच्छा पद प्राप्त हो जाए। शिव का स्मरण करो, पूर्णिमा के दिन चावल का एक आखा दाना जानते हो, पूरा खंडित चावल नहीं, कितना चावल, एक दाना चावल का, शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करिए। एक बेलपत्र जिसका डंडी का मुख अपनी ओर हो, जहां से चावल चढ़ाया है,
उस चावल के ऊपर अपनी कामना कर कर रख दीजिए और चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए। कौन से भगवान? शंकर भगवान का सर्वश्रेष्ठ सुंदर नाम है चंद्रमौली। चंद्रमौली भगवान का स्मरण करिए, अपनी कामना कर कर, बेलपत्र समर्पित कर कर, शिव जी पर एक लोटा पानी, एक जल पात्र समर्पित करो, कलश से जल चढ़ा दीजिए, नैनों में वो जल लगाकर अपनी कामना कर कर वापिस घर को आइए। अगली शरद पूर्णिमा आएगी, जो कामना करी है मेरा चंद्रमौली भोलेनाथ उसे पूर्ण कर ही देगा। शिव उपासना के लिए जितनी 12 महीने में पूर्णिमा पड़ती है, एक एक पूर्णिमा का व्याख्यान वर्णन करेंगे। आज तो कथा का महत्तम दिवस है, आज तो कथा का महत्तम दिवस है। पहला दिवस है तो हम उसको महत्व समझें कि पूर्णिमा का महत्व क्या है, हम उसका महत्व समझें कि शंकर और चंद्र का रिश्ता क्या है, संबंध क्या है। भगवान ने जितनी पूर्णिमाएं बनाई है, जितने नक्षत्र बनाए, जितनी घड़ी बनाई, जितना पल बनाया, जितना समय बनाया, ये शंकर भगवान ने जो बनाया ये गलत नहीं बनाया, श्रेष्ठता के लिए बनाया, जग के उद्धार के लिए, संसार के उद्धार के लिए बनाया। अब उसका प्रयोग आप करें ना करें या आपके ऊपर है, आप उसका प्रयोग कर रहे हैं ना कर रहे हैं आपके ऊपर, पर जो बनाया है मेरे भगवान। शिव देने चंद्रमा ने देवऋषि नारद के चरण को पकड़ लिया। नारद जी बोले क्या हो गया? बस मेरा अहंकार था, इतना अहंकार मुझे काया का था कि मुझे काया के अभिमान में मैं अपने गुरु की धर्म पत्नी को भी अपशब्द कह गया, उसको भी मैंने गलत दृष्टि से देख लिया। जब व्यक्ति को धन का अभिमान आता है, अहंकार काया का हो, धन का हो, वैभव का हो, सत्ता का हो, जिस चीज का व्यक्ति अभिमान करता है उसमें सब कुछ भूल जाता है कि ये मेरी माता है कि ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है कि मेरे बंधु है कि मेरे सखा है। एक व्हाट्सएप पे एक मैसेज भेजा था किसी ने, उसमें लिखा था गुरुजी भगवान से प्रार्थना करवाना कि जैसे नवरात्रे में हमारे घर की बहुएं, हमारी घर की बेटियां इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार कर कर सज कर इतनी जोरदार जोरदार गरबा करती हैं, इतनी एनर्जी इनको जो नवरात्रे में माताजी 9 दिन देती है, ऐसी ही एनर्जी दीपावली पर लिपाई पुताई और पुछाई के लिए दे दे, ऐसी प्रार्थना। नवरात्र में इतनी एनर्जी इनमें आ जाती है कि डंडा ले लेके ये एक पाँव वहां, बस भगवान से प्रार्थना करना गुरुदेव की ऐसी एनर्जी हमारी बहु बेटियों में भगवान दिवाली तक ऐसी दे दे कि सारे डब्बे पोछ पोछ के धर दे, घर में जितना भी झाड़ू पोछा है, ये अच्छी टेबल पे चढ़ी यूं मार, समझ ले गर्व ही खेल रही, ये पत्तो फिर पेंट में, फिर अब वो एनर्जी ना जाने कहां चली जाती है। 9 दिन के बाद अगर सास कह दे कि बेटी उधर से झाड़ू लगाती लगाती लिया और सारे रसोई घर के डब्बों को निकाल के धो के पोछ ले, उत्ते में तो 4 दिन से तो मेरी कमर ही दुख रही है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ एक लाइक बटन दबा दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए।